शिवसेना उपनेता विजय नाहटा के जन्मदिन पर नवम्बई में अभिष्ट चिंतन समारोह। महाविकास आघाड़ी ने दिखाई ताकत, मनपा चुनाव में जीत का शंखनाद। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र पर्यावरण प्राधिकरण के चेयरमैन विजय नाहटा के जन्मदिन के अवसर पर आज नवम्बई के विष्णुदास भावे नाट्यगृह में अभिष्ट चिंतन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हजारों शिवसैनिक और समर्थकों ने विजय नाहटा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। यहां मंच पर एनसीपी नेता शशिकांत शिंदे, प्रशांत पाटिल एवं अशोक गावड़े तथा कांग्रेस नेता अनिल कौशिक, संतोष शेट्टी एवं शिवसेना नेता विजय चौगले और सांसद राजन विचारे समेत महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता उपस्थित थे। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए हर हाल में नवम्बई मनपा चुनाव जीतने का विश्वास जताया। सांसद राजन विचारे तथा विजय चौगले ने उप नेता विजय नाहटा को जन्मदिन की बधाई देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नवम्बई से माजी आयुक्त डिविजनल कमिश्नर, आज त्यांचा वाढदिवस आहे। आमच्या शिवसेना नवम्बई शाखेने आज इथे आज त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने या ठिकाणी सत्कार इथे आयोजित केला होता। मी आई जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करतो की त्यांना चांगलं आयुष्य लाभो आणि त्यांच्या हातून या नवम्बई शहराचा विकास होण्यासाठी मदत हो। सर, ज्या पद्धतीने आमच्या नवम्बईमध्ये जो शिवसेनेचं वर्चस्व चाललेलं आहे, त्या माध्यमातून एक नाटासाहेब असतील, खासदार असतील आणि पालकमंत्री असेल, आमच्या सर्वांवरती जबाबदारी आहे ती नवम्बई महानगरपालिका निवडून आणायची। या त्यांना शुभेच्छा देण्याच, पण या शुभेच्छा देत असताना नवम्बई महानगरपालिकेवरती शिवसेना महाविकास आघाडीची सत्ता यायला पाहिजे, याच्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करणार आहोत। इस अवसर पर विजय नाहटा फाउंडेशन एवं शिवसेना द्वारा दर्जनों एनजीओ और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के तौर पर धनादेश प्रदान किया गया। इस अवसर पर महाड़ा चेयरमैन और शिवसेना उपनेता ने अपने जन्मदिन पर मिली लाखों बधाइयों के लिए शिवसैनिकों और समर्थकों का आभार जताया एवं गुलदस्ता देने वालों को मनपा में विजय दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना के लिए यही असली गिफ्ट होगी। आज जन्मदिन का एक मौका था और दूसरी बात ये थी कि जो एनवायरनमेंट कमेटी है स्टेट लेवल की, उसका चेयरमैन मुझे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बनाया है, तो वो भी समारोह आज रखा था। तो दुगुना दुग्ध सरकार आयोग, जिसको मराठी में बोलते हैं, वो रखा गया था। और आपने देखा कि हजारों की तादाद में पदाधिकारी और कार्यकर्ता, ना सिर्फ शिवसेना के बल्कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस के, यहाँ पर सभी उपस्थित थे और सभी लोगों ने उनका जो प्यार है वो प्यार अपने यहाँ पे जताया है। और मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है चेयरमैनशिप की, मुझे लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो देख के हमारे मुख्यमंत्री साहब ने वो जिम्मेदारी मुझे दी है और मुझे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगा और उन्होंने जो मेरे से अपेक्षा की है उसकी पूर्ति मैं करूँगा। शक्ति प्रदर्शन की ज़रूरत शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस को नहीं पड़ रही है, क्योंकि हजारों के तादाद में कार्यकर्ता है। जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है उनको शक्ति प्रदर्शन जानबूझ के करना पड़ता है। हमारे यहाँ चुटकी बजाते तो हजारों कार्यकर्ता आते हैं, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक अपने उपनेता का जन्मदिन है, उसके लिए 1100-1200 लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो हमको शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता कि स्टेट इतना अच्छा काम कर रहा है और माहौल इतना बदल रहा कि शक्ति प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।